नमस्कार दोस्तों, हमारे बीएस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा हर वर्ष पुराण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ये हर वर्ष पुराण की कथा जो भी श्रवण करता है, ध्यान रखना, अगर आपने शुरुआत कर दी है पूरा सुनना, नित्य प्रति की सुनना। हर वर्ष पुराण की कथा सुनने से जिसके भाग में पुत्र नहीं हो उसको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। उस वंश का कभी उच्छेद नहीं होता। जिसका वंश ही नहीं चल रहा है तो पुत्री भी हो जाती है। जो इच्छा हो पुत्र या पुत्री की वही प्राप्त होती है। अगर घर के अंदर पितृ दोष है तो वो भी हरिवंश पुराण से शांत हो जाता है। विशेष करके संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। यहां तक कहा गया है कि भाग्य में संतान नहीं हो तब भी संतान प्राप्त हो जाती है। इसमें जो है कथा को सुनने वाला जो हरिवंश पुराण की कथा प्रारंभ कर दी है उस समय मांसाहारी भोजन का त्याग कर दे। मांसाहारी भोजन कथा सुनते समय उन दिनों में छोड़ दे। नित्य प्रति कथा को सुन ले तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। अब हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा नियम नहीं है, केवल सादा रूप से आप कथा ही सुनते रहे। आज प्रथम अध्याय की प्रथम दिन की कथा सुना रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके श्रवण करें। बोल हरिवंश पुराण की जय। नेम से सूत मासीन मविवाद्या महामतिम कथामृता रस स्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। एक समय नेम सारा तीर्थ में सोनक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान, इस कलयुग में जिन प्राणी को संतान की तरफ से परेशान रहना पड़ता है, ऐसी संतान प्राप्ति के लिए कोई ग्रंथ पुराणों की कथा का वर्णन करें। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, वैसे तो हमारे धर्म में अनेक वर्णन किए गए हैं, अनेक उपाय बताए गए हैं, पर सबसे ऊपर हरिवंश पुराण है। इसमें जो है हरिवंश पुराण जो है इसको पाराशर जी के पुत्र व्यास जी के मुख से अमृत धारा है। ये जो कथा है राजा जनमेजी को वैशंपायन ऋषि ने सुनाई थी। एक समय पर जनमेजी वैशंपायन ऋषि से कहते हैं, भगवान आपने मुझे मावाद सुनने की विधि भी कह दी, आपने और भी ग्रंथ पुराणों की कथा सुनाई, अब हरिवंश पुराण की सुनने की इच्छा है, मुझे हरिवंश पुराण की कथा सुनाइए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि शब्द में ही ब्रह्म रहता है राजन, शब्दों का ज्ञान करने से ब्रह्म का ज्ञान होता है। हरिवंश के सुनने से सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शरीर मन तथा वाणी तीनों से उत्पन्न हुए पाप हरिवंश पुराण की कथा सुनने से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य में अंधकार नष्ट हो जाता है। जो फल पुराणों की सुनने से प्राप्त होता है वही फल हरिवंश पुराण की सुनने से प्राप्त हो जाता है। इस भारत वर्ष में जम्बू द्वीप में जो भी स्त्री पुरुष वैष्णव पद को प्राप्त है, कलयुग में हरिवंश पुराण की कथा को संतान प्राप्ति के लिए अवश्य सुनना चाहिए। पितृ दोष के लिए भी और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी सुना जा सकता है। इस युग में ऐसे मनुष्य होंगे इसलिए पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों को हरिवंश पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो बाल गाती मृतवस्या दोष है, जिनकी बच्चे होते हैं, बच्चे होते ही तुरंत मृत्यु हो जाती है या गर्भ नहीं रहता, किसी भी प्रकार का दोष है, उन्हें हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। जो फूले फले वृक्ष लता को काट देती हैं, जो बालकों का वध करती हैं, ऐसी स्त्री जो माता पिता से बच्चों को अलग कर देती हैं, गर्भों को गिराती हैं, ऐसी स्त्रियों को जो ये कथा दोषों को नष्ट करने के लिए अवश्य सुननी चाहिए। जिसको मासिक धर्म नहीं होता, जिसकी लड़की की मृत्यु हो जाती है, जिसके पापों से गर्भ गिर जाता है, दोषों को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण की कथा अवश्य श्रवण करो। मैं इन सभी दोषों को दूर कर दूंगा, यह हरिवंश पुराण स्वयं कहता है। इसलिए मनुष्य को जो है जिसके भाग्य में बिल्कुल संतान नहीं है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है, अगर वो 10 बार पूरी हरिवंश पुराण की कथा शुरू से लेकर आखिर तक, एक बार हो गई जितने अध्याय हैं, ऐसे 10 बार सुन ले तो वो भाग्य में संतान भी हो जाती है। इतना प्रभाव है। जिसके संतान हो रही है, कन्या हो रही है, पुत्र चाहिए, उन्हें तो एक बार में हो जाता है, पर जिनके भाग में बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो 10 बार सुन ले वे
पूरी कथा को, तो उन्हें संतान बिल्कुल प्राप्त हो जाती है। जिस स्त्री का मासिक धर्म ठीक से नहीं होता, उसे भी 10 बार इसका सेवन करना चाहिए। जिसके बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसे 7 बार, और जिसके गर्भ गिर जाते हैं उसे 5 बार, और जिसके काक बंध्या हो, यानी एक संतान के अलावा दूसरी संतान नहीं हो रही हो, उस स्त्री को 3 बार, और जिसके केवल कन्या होती है उन्हें पुत्र चाहिए, तो 1 बार सुनने से पुत्र हो जाता है, और जीवन पर्यंत के सदा के दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरे जन्म में जन्म के लिए दुख नहीं भोगना पड़ता, इसलिए केवल मूल मंत्रों के द्वारा ये मूल इस कथा को सुननी चाहिए। 9 दिन में, 21 दिन में, 31 दिन में, अथवा 3 महीने में, 2 महीने में, जैसे भी अध्याय का आप कर सकते हैं, इस कथा को सुनना चाहिए। वैसे कलयुग में बहुत दिनों में पाठ पूरा किया जा सकता है, कलयुग में कोई दिनों का नियम नहीं होता, परंतु विघ्न नहीं आवे इसलिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसलिए इस कथा रूपी यज्ञ को बंध्या दोष विनायक भी कहा गया है। स्त्री पुरुष दोनों को गौ व्रत धारण करके इस कथा को, और पुरुष भी साथ में सुन ले तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हरिवंश की कथा सुनने से सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसकी कुछ विधि भी बता रहे हैं। 1 महीने में अगर कथा पूरी करनी है, चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल बिना कुछ खाए प्रातःकाल ही इस कथा को श्रवण कर लेना चाहिए। सूर्यास्त अथवा बछड़ा के साथ जब गौ घर पर आ जाती है तो उस समय तक इस व्रत को भी धारण कर सकते हैं, चतुर्थी का व्रत भी रह सकते हैं। इसमें जो है कथा को सुनते हुए गाय को ग्रास जरूर देना चाहिए, जिसमें दलिया आदि बनाकर के भी साथ में गुड़ मिलाकर के दे सकते हैं। गाय को चारादार है जो बंध्यास्त को दूर करने के लिए इस कथा को स्त्री पुरुष दोनों सुनते हैं और नियम भी धारण करते हैं, तो उसके मातम को कोई नहीं कह सकता। अगर गौ बछड़े वाली हो, प्रथम बार प्रसूता हो, उसको अगर सेवा की जाए कथा के सुनते हुए, उसको चारा डाला जाए तो अति उत्तम होता है। जो खेत जमीन वाले हों, उन खेतों में उगा हुआ हरा चारा गाय को डाला जाए, सायकाल के समय चारा डाले तो बहुत अतिश्रेष्ठ है। यह व्रत 1 मास में, 30 दिन में, अथवा जो है जैसे नियम रख सकते हैं उस तरह से पूरा करना चाहिए। जो व्रत नहीं रख सकते उनको किसी प्रकार के नियम रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज के प्रथम अध्याय में यहीं तक की कथा को हम विश्राम देते हैं। थोड़े थोड़े रूप में आपको नित्य प्रति कथा सुनाएंगे। आप हरिवंश पुराण की कथा का अवश्य श्रवण करें। बोले बिंद्रा बने बिहारी लाल की।